अरे मेरे साथ तो बड़ी जाती हुई कैथल में जेबीटी अध्यापकों पर पुलिस ने किया हल्के बल का प्रयोग। शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे जेबीटी अध्यापक। जेबीटी अध्यापक सरकार द्वारा हटाए जाने का कर रहे थे विरोध। हल्के बल का प्रयोग करते हुए पुलिस ने शिक्षा मंत्री को महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी से निकाला। इस प्रकार पूरे प्रकरण में कई टीचरों को चोट भी लगी और कुछ टीचरें बेहोश भी हो गई। टीचरों ने यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर दिया और जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज कैथल के महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया गया, परंतु हाल ही में निष्कासित किए गए पीटीआई टीचर शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए कॉलेज में पहले ही पहुंच गए थे। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम के उपरांत जब बाहर निकलने लगे, पहले तो टीचर के एक दल ने शिक्षा मंत्री से बात की, परंतु शिक्षा मंत्री के पास उनकी बात का कोई उचित जवाब नहीं था, ना ही उन्होंने कोई आश्वासन दिया, जिससे नाराज पीटीआई टीचरों द्वारा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की गाड़ी का घेराव किया गया और सारे पीटीआई टीचरों ने गाड़ी को रोक लिया। शिक्षा मंत्री अपनी गाड़ी भगाकर कॉलेज से ले गए। कई अध्यापक गाड़ी के आगे आ गए। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, तब उनको वहां से खदेड़ा गया, जिससे कुछ टीचरों को चोटें भी लगी और महिला टीचर बेहोश हो गई, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। इस प्रकरण से पूर्व शिक्षा मंत्री से जब पत्रकारों ने बात की थी, तो उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा और पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस व रणदीप सुरजेवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, यह सिर्फ अपना प्रश्नोत्तर करते हैं और बिना मतलब की बातें करते हैं। ये कार्यक्रम है यहाँ पे रखा है, विचार गोष्ठी रखी है इन्होंने, और उसका जो शुरुआत में सुबह के टाइम उन्होंने जिस प्रकार से यज्ञ का आयोजन किया, तो आज उस यज्ञ के कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और यज्ञ जो है हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और हमारा मानना है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवता क्या हैं? देवता भी अपनी वायु जो है ये भी देवता है। अगर वायु शुद्ध होगी तो तभी मनुष्य ठीक रहेगा। जल भी देवता है, अगर वो पवित्र रहेगा तब वो हमारा जीवन चल सकेगा। तो उन देवताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि यज्ञ जो है वो पॉल्यूशन को दूर करता है और उसका उन्होंने आयोजन किया, उसमें आदमी शामिल हुआ। सर, कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश सरकार भी चिंतित है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो कोरोना वायरस है उससे लोगों को राहत दिलाई जा सके? देखिए, सरकार ने बहुत मजबूती के साथ इस प्रकार से सारा काम किया है और कुल मिला के जिस प्रकार से कंट्रोल रखा, लेकिन अभी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, इस पहले से सबके ध्यान था कि लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो निश्चित तौर से केस बढ़ेंगे, तो केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने की भी वो भी है, वो भी उतनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी संख्या में जो पेशेंट हैं वो ठीक भी रहे और हमारी दर जो है ठीक होने की काफ़ी अच्छी है। मैं तो बस इतना ही निवेदन करूँगा जनता से कि जनता डरने की बजाय इससे ना जी जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पर ध्यान दें। जैसे मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइज की इस्तेमाल की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो उनका सारा दिन ध्यान रखें और कभी भी उनका उल्लंघन ना करें, डरने की बजाय उसकी जरूरत है। सर, लॉकडाउन में कहा गया था कि किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी, और सरकार ने पीटीआई हटाए आदेश पे। सरकार ने न्यायालय के आदेश में बोल रहा हूँ सर, लेकिन आज वो बाहर घेराव करे बैठे हैं कि इनके। नहीं देखिए, न्यायालय का तो आदेश मानना ही पड़ेगा, न्यायालय तो कुछ भी कह देगा, जो भी कहेगा वो सबको सबके सब उसको मानने के लिए बाध्य, उसके उसको मानने के लिए सबके सब बाध्य हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोर्ट नहीं है कोई, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला देगी तो वो तो कोई भी सरकार है उसको उसको मानना ही। और देखिए, इसमें राहत की बात सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये 20,800 लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था, कोर्ट ने कहा कि वही लोग अप्लाई करेंगे, इसमें कोई नया अप्लाई करने वाला नहीं है कोई भी,
जिन लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था वही लोग अप्लाई करेंगे, उन्हीं लोगों का टेस्ट होगा। तो मेरा ख्याल है जो लोग 10 साल से इस फील्ड में नहीं हैं तो उनके लिए तो पेपर देना मुश्किल ही होगा मेरे ख्याल है, और जो लोग इसी फील्ड में हैं उनके लिए आसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई वो विषय है जिसपे। तो अब जब मामला कोर्ट का है तो निश्चित तौर पर सरकार तो बात दे उसको मानने के लिए। देखिए जो हमारे बड़े लीडर हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, वही उसके बारे में कुछ जो हरियाणा सरकार ने स्कूल जारी किए गए स्टाफ को आना पड़ेगा बच्चों के भी। सर सवाल पूरा कर लो, बच्चों की छुट्टियां हैं सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बसें बंद हैं, प्राइवेट वाहन भी बंद है, ऐसे में स्टाफ को स्कूलों में जो 25-50 किलोमीटर दूर से हैं सर, काफ़ी दिक्कत हो रही है, इस दिशा में सर कुछ करेंगे? देखिए अब सारी चीज़ें खुल रही हैं, फैक्ट्री भी खुल रही, दूसरे सारी चीज़ें खुलने जा रहे हैं, तो स्कूल भी खुलेंगे ही, और स्कूल में भी अगर टीचर बैठेगा तो उसकी साफ सफाई भी होगी। ऐसे तो स्कूल भी मेरा ख्याल है जंगल ही बन गए थे बिल्कुल, अब वहाँ ध्यान रखेंगे, बैठेंगे तो कुछ एडमिशन भी होंगे। अगर सरकार इसी तरीके से छोड़ देंगे, प्राइवेट आदमी का तो अपना बिजनेस है, वो तो भागदौड़ करता है एडमिशन के लिए, और अगर सरकारी स्कूल का टीचर बिल्कुल नहीं जाएगा तो मेरे ख्याल का अगली बार एडमिशन लगभग बहुत कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसे में अगर टीचर इतने लंबे टाइम के बाद अगर टीचर हमने बुलाए ना जी, तो कोई ऐसा नहीं है, और अगर कोई समस्याएं आएंगी तो टाइम टाइम पर उसमें विचार कर लेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या आती है, ऑनलाइन शिक्षा पे प्रतिबंध इसलिए लगाया कि प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे लूट रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था, पूरे पूरे दिन बच्चे मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं, हरियाणा में कुछ इस तरह का। अब देखिए दोनों बातें हैं, अब ये एक नई चीज़ है, अब नहीं तो पहले किसी की कल्पना थी कि ऐसा हमने करना पड़ेगा, तो अचानक ये शुरू किया, थोड़ा बहुत अगर कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ठीक कर लेंगे। अब कोई भी काम है, अब भी नया करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब पहले ये प्रॉब्लम थी कि पढ़ाए नहीं थे, अब पढ़ाए तो अब लगे कि ज़्यादा टाइम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर कांग्रेस के आज नहीं तो कल खुदेंगे। क्या नाम आपका? पीटीआई सर। तो क्या हुआ था? अच्छा ये चोट कैसे लगी है? दिखाना सिंह। क्या हुआ? यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे, अपनी बात रखने आए थे, हमारी कोई ढंग से कहीं सुनवाई नहीं, इनकी आपस की पॉलिटिशियन लड़ाई है और भुगता हम रहे हैं इसको। आज हमें इन्होंने कोरोना के उसमें हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, हमें किस चीज की सजा मिली है कि हम कांग्रेस के प्रति खड़े हुए हैं, और ये बीजेपी सरकार आगी कल ये बीजेपी प्रति कहेगी अगली सरकार निकाल लेगी, ये दोष है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, डंडे बरसाए गए हैं, और सब प्रशासन है, पानी का प्रबंध तक नहीं, हमें प्यासे मरे, हम धूप में बैठे, अंदर जाके कहते हैं 5 बंदे आके पिलो, मतलब ये 12 के पास करते हैं हमारे से। अरे मेरे साथ तो बड़ी जाती हुई है, शिक्षा मंत्री जब मुंह छिपा के भागने लगे ना सर, मैंने रोकने की कोशिश करी, इन मेरी पुलिस की बहन भाइयों ने सर मुझे पकड़ के खदेड़ा, वहाँ से पीछे से मेरा कुर्ता फटा हुआ है सर, मैं नारी होने के नाते दिखा नहीं सकती, दिखा नहीं सकती सर, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। चमत्कार हुंदे ने देखो अपनिया अखा सामने, 3 घंटे च पाओ हर परेशानी दा हल, 7 दिलमां दे माहिर, मेरे किते नू कोई काट नहीं सकदा, स्पेशलिस्ट लव मैरिज वशीकरण लॉटरी नंबर परेशानी जिवे मन चाह प्यार, पति पत्नी च अनबन, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, औलाद सुख, नशा जा बुरी संगत छुड़वाना, काले जादू दा खात्मा, बीमारी विच दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ जिसनू चाहे उसनू अपने वस च करो, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स, प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी अते प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टूटन नहीं दवांगा। 9996826004